स्लैश के अंदर एमएनटी नाम की डायरेक्टरी लिनक्स के अंदर एग्जिस्ट होती है बाय डिफॉल्ट। तो इतनी कमांड देने के बाद यहाँ पे हमें अपने उबंटू इमेज का नाम या फिर हाँ ओके नाम ही यहाँ पे ओके वेट 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 1 मिनट गाइस क्या हो रहा है। ओके तो यहाँ पे हमें उबंटू कंटेनर का सॉरी उबंटू इमेज का यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, डॉकर रन तो हमने कर दिया, ये माउंट भी हो गया और अब मैं यहाँ पे एंटर दूंगा तो यहाँ पे एक कंटेनर बन जाएगा। आप देख सकते हो कंटेनर बन चुका है, डॉकर पीएस करके मैंने चेक किया तो हमारा कंटेनर बन चुका है जो कि अभी अभी बना है, ठीक है 6 सेकेंड एगो। अब हमें क्या करना है, इस कंटेनर का एक्सेस लेना है। डॉकर एग्जीक्यूट -n it स्पेस, इसका नाम यूज किया मैंने एक्सेस लेने के लिए, उसके बाद बिन बैश और मुझे यहाँ पे बैश का एक्सेस मिल चुका है। अब हमको पता है कि कंटेनर के अंदर हमने कौन सी डायरेक्टरी यूज की है स्लैश डॉक को माउंट करने के लिए, माउंट नाम की ओके ये वाली डायरेक्टरी हमने यूज की है। अब मैं जाऊंगा उस डायरेक्टरी के अंदर स्लैश एमएनटी, आप देख सकते हो मैं स्लैश एमएनटी के अंदर हूँ, पीडब्ल्यूडी करके चेक कर सकते हो। और इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल मिली है हमें कोई तो एग्जाम्पल डॉट डॉक। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने जो स्लैश डॉक नाम के डायरेक्टरी के अंदर एग्जाम्पल डॉट डॉक नाम की एक फाइल बनाई थी वो हमें डायरेक्टली एक्सेस हो गई कंटेनर के अंदर। क्यों? बिकॉज हमने स्लैश डॉक को माउंट किया है कंटेनर के अंदर स्लैश माउंट के अंदर ओके। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेनर के अंदर स्लैश माउंट में कोई भी फाइल बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो डॉट टी एक्स टी, आप यहाँ पे चेक करो यहाँ पे मैं अभी स्लैश डॉक के अंदर हूँ, यहाँ पे एलएस करता हूँ तो मुझे सिर्फ एग्जाम्पल डॉट डॉक मिल रही है मेरे लोकल सिस्टम के अंदर, मेरे फिजिकल सिस्टम के अंदर। और जैसे ही मैं कंटेनर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ स्लैश माउंट के अंदर टच स्पेस हेलो डॉट टी एक्स टी एंटर, आप देख सकते हो यहाँ पे टी एक्स टी की फाइल बन चुकी है हेलो डॉट टी एक्स टी। और मैं लोकल सिस्टम के अंदर स्लैश डॉक के अंदर एलएस करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी वो फाइल एग्जिस्ट है। अब कंटेनर के अंदर मैं स्लैश एमएनटी के अंदर फिर से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है उस डायरेक्टरी को नाम देंगे हम मैक्स, एंटर एलएस किया तो आप देख सकते हो मैक्स नाम की डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर बन चुकी है। और वही मैं चेक करता हूँ स्लैश डॉक के अंदर लोकल सिस्टम में एलएस करके तो यहाँ पे भी मैक्स आ रही है ओके, मैक्स नाम की डायरेक्टरी हमें मिल रही है। मतलब हमारा लोकल सिस्टम में कोई भी एक डायरेक्टरी चूज करो जिसको आपको कंटेनर के अंदर कहीं पे माउंट करनी है, आप उसको माउंट कर सकते हो ठीक है एज अ वैल्यूम, उससे आप इजीली डेटा शेयरिंग कर सकते हो लोकल सिस्टम टू कंटेनर, कंटेनर टू लोकल सिस्टम ओके। तो इस तरह से डॉकर वैल्यूम काम करता है। अब ये हो गया डॉकर वैल्यूम का एडवांटेज, अब हमें देखना है इसका डिसएडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्लैश के अंदर डॉक नाम की डायरेक्टरी बनाई थी जिसको मैंने माउंट किया कंटेनर के अंदर, लेकिन अब ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ हमें, बिकॉज हमारे पास है रूट का एक्सेस, इस वजह से हमें ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, अदरवाइज ये हमें पॉसिबल नहीं होता। अगर ये हमें नॉर्मल यूजर से पॉसिबल करना पड़ता तो डॉकर का जो भी ग्रुप है उसके अंदर उस ग्रुप के अंदर हमें नॉर्मल यूजर को ऐड करना पड़ता, उसके बाद हम नॉर्मल यूजर से ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन
अगर नॉर्मल यूज़र को डॉकर ग्रुप की परमिशन मिल जाती है तो नॉर्मल यूज़र आपके लोकल सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता है। वो भी आपको समझ में आ चुका होगा, बिकॉज अब आप यहाँ पे इजीली दिमाग लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लोकल सिस्टम में से स्लैश डॉक नाम की डायरेक्टरी को माउंट कर सकता हूँ कंटेनर के अंदर, और वहाँ पे मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, वहाँ पे जो फाइल्स बनाऊंगा वो यहाँ पे बनेंगी, यहाँ पे जो बनाऊंगा वो वहाँ पे बनेगी, ठीक है, ये माउंट है एक दूसरे के बीच। तो अगर किसी ने यहाँ पे मिस यूज किया और स्लैश ATC को माउंट किया तो हमारी लोकल सिस्टम की तो अच्छी खासी लग जाएगी, ठीक है। यही प्रैक्टिकल हमें देखना है कि ये नॉर्मल यूजर से कैसे हो सकता है। ओके, अब आपको एक काम करो, तब तक आप, सर फिर मैं तो यहाँ वो से नॉर्मल एग्जिट करता यूजर हूँ पर यूज और करना ये पड़ेगा। कमांड आप नोट डाउन कर लो। हेलो कौन सी वाली? ये वाली हेलो जहाँ पे हमने स्लैश डॉक को, मतलब लोकल सिस्टम के ऊपर जो स्लैश डॉक था उसको हमने माउंट किया कंटेनर के स्लैश MNT के ऊपर। ये कमांड का स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर लिख लो। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर हेलो यस यू आर ऑडिबल हेलो यू आर ऑडिबल सर हेलो, हेलो यू आर ऑडिबल ओके, मुझे किसी की आवाज तो सुनाई दे नहीं रही। एक मिनट, मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। हेलो हेलो, ओके, अभी भी मुझे किसी की वॉइस सुनाई नहीं दे रही। भी क्या इशू हुआ? आवाज हेलो, अब मुझे आप कर सकते हैं? हेलो हेलो, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस ओके, बाकी लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा। ओके, तो बताया वो सुना आप लोगों ने? करना पड़ता। ओके, जी मैं आ चुका है। नहीं, ठीक है, इस कमांड से हम किसी भी कंटेनर के ऊपर हमारे लोकल सिस्टम से कोई भी डायरेक्टरी माउंट कर सकते हैं हाइफन वी यूज करके, अगर डॉकर वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं नॉर्मल यूजर से कुछ ट्राई करूँगा, अब मेरे नॉर्मल यूजर से ट्राई करने के लिए मेरे पास महे नाम का एक यूज़र है। आप देख सकते हो यहाँ पे महे नाम का एक यूज़र है। यहाँ पे अगर मैं डॉकर पीएस करूँगा तो मुझे परमिशन डिनाइड आ रही है, बिकॉज
डॉकर के ऊपर कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए मैंने मेरे अदर यूजर्स को परमिशन नहीं दी है, ठीक है? सिर्फ रूट ही कर सकता है। ठीक है, मेरे सिस्टम में डॉकर पे कुछ भी टास्क परफॉर्म करना हो तो सिर्फ रूट कर सकता है, लेकिन इन केस मुझे किसी दूसरे यूजर को, कोई मेरे सिस्टम पे काम कर रहा है तो उसे मुझे मैं तो उसको रूट का एक्सेस नहीं दे सकता, लेकिन मुझे उसको डॉकर का एक्सेस देना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर का जो भी एक ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप में उस यूजर को ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, वो यूजर डॉकर के ऊपर काम कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि वो मेरे रूट का एक्सेस नहीं ले पाएगा, लेकिन डॉकर के ऊपर काम कर पाएगा, फिर भी मेरी सिस्टम 100% वर्नेबल होती है। अब वो कैसे, वो देखेंगे हम। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे इस महे यूजर को डॉकर के ऊपर कुछ भी करने के लिए परमिशन नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास डॉकर, जब भी हम डॉकर को इंस्टॉल करते हैं ना, तो बैकग्राउंड में कॉन्फ़िगरेशन में बाय डिफॉल्ट डॉकर का एक ग्रुप बनता है, डॉकर नाम का एक ग्रुप बनता है। ओके, तो किसी भी यूजर को अगर हमें डॉकर के लिए परमिशन देनी है, किसी भी नॉर्मल यूजर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस यूजर को डॉकर ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद वो नॉर्मल यूजर डॉकर के ऊपर कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब हम चेक करते हैं, आपने देखा अभी मेरा जो महे नाम का यूजर है, ओके मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, महे नाम का जो यूजर है और मुझे डॉकर के ऊपर परमिशन सकता, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या, सबसे पहले रूट में जाके मेरे महे नाम के यूजर को मैं डॉकर के ग्रुप में ऐड करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर मॉड करना पड़ेगा, उसके बाद हाइफ़न जी फॉर ग्रुप। अब यहाँ पे मुझे डॉकर ग्रुप के अंदर महे नाम के यूजर को ऐड करना है, डॉकर नाम का ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जब मैंने डॉकर को इंस्टॉल किया था तब डॉकर नाम का ग्रुप क्रिएट हो गया था। अब इसके अंदर में मेरा जो भी यूजर है महे, इसको ऐड करूंगा, तो ये ऐड हो चुका है। अब इसके बाद अगर मैं, अब देखो अब मैं महे यूजर से हूँ, ठीक है, फिर से महे यूजर के ऊपर आ गया, पर यहाँ पे मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो फिर भी मुझे एरर है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे न्यू ग्रुप डॉकर, फिर भी एरर है। ओके एक मिनट, डॉकर क्या इशू हो रहा है इसका, एक काम करता हूँ मैं इसका SSH लेके देखता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, मेरे लोकल सिस्टम के अंदर ही। यू
हेलो, आवाज आ रही है? मैंने आप पे ऐसे स्टॉक किया था, मेरे आवाज लेकिन अभी भी ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। आपको मैंने आप हाँ चलो इजी पर मैंने जब यहाँ पे डॉकर ग्रुप के अंदर जब महे यूजर को ऐड किया ना, तब न्यू टैब के ऊपर डॉकर के लिए मुझे परमिशन डिनाइड आ रहा था। लेकिन जब मैंने एसएसएच लिया, एसएसएच और अभी महे स्क्रीन फ्रीज हो यूजर गया का, आपका? नहीं चल रहा है स्क्रीन, नहीं सर, बीच बीच में अटक रहे हैं। नहीं अब एसएसएच कमांड दिख रही है ना, टाइप की है एसएसएच स्पेस हाँ, महे, अभी दिख दिख रहा रहा है, है ना? अभी दिख रहा है। ओके हाँ ठीक है। तो मैंने महे यूजर का एक्सेस लिया लोकल होस्ट का ही, महे एट द रेट लोकल होस्ट, एंटर पासवर्ड जो भी था मेरा यहाँ पे इंसर्ट किया और मुझे महे यूजर का एक्सेस मिल चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, दिख रहा है सबको? ओके महे यूजर से मैं लॉगिन हो चुका हूँ, दिख रहा है ना अब? यस सर, दिख रहा दिख है। यस सर, ओके अब यहाँ पे अगर मैं डॉकर पीएस कमांड चलाऊंगा ना, तो मुझे डॉकर का एक्सेस मिल चुका है। मतलब महे नाम का यूजर इस सिस्टम में, उसको रूट की कुछ भी परमिशन नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल यूजर है, लेकिन उसको डॉकर को मैनेज करने के लिए पूरी परमिशन है फिलहाल। तो महे नाम का यूजर इसका मिस यूज करके रूट में भी कुछ भी कर सकता है। ओके वो देखते हैं अब कैसे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा नया। अब चेक करते हैं इमेजेस कौन से हमारे पास। ओके दो ही इमेजेस है। अब यहाँ पे हम नया कंटेनर बनाएंगे, डॉकर रन हाइपन डीटी स्पेस हाइपन वी फॉर वॉल्यूम। लेकिन अब मैं यहाँ पे स्लैश डॉक को माउंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे माउंट करूंगा स्लैश ईटीसी को, स्लैश ईटीसी कोलन, उसको माउंट कहाँ पे करूंगा, कंटेनर के अंदर एमएनटी डायरेक्टरी के ऊपर, स्लैश एमएनटी के ऊपर। और इमेज का नाम यूज किया हमने उबंटू, और मैंने दिया यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे कंटेनर बन चुका है डॉकर पीएस। अब देखो यहाँ पे 6 सेकंड एगो कंटेनर बन चुका है हमारा, उसका कुछ तो रैंडम नाम आ गया है मॉडेस्ट। अब हम इसका एक्सेस लेके देखते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट हाइपन आई टी मॉडेस्ट कुछ तो है, स्लैश बिन बैश एंटर। अब मैं सीधा यहाँ से जाऊंगा एम एन टी के अंदर, स्लैश एम एन टी, और एम एन टी के अंदर जैसे ही मैं एलएस करूंगा ना, तो आप देख सकते हो मेरे लोकल सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स है स्लैश ई टी सी के अंदर, उन सभी का मुझे यहाँ पे एक्सेस है। तो अब कोई बताएगा अब मेरी सिस्टम वर्नेबल कैसे हुई अगर मुझे स्लैश ई टी सी का एक्सेस मिल जाता है तो? सर उसके अंदर ETC 5WD का जो ये होता है ना फाइल, लोग मीन्स ओके हाँ उसके अंदर से कुछ भी मीन्स वो किया जा सकता है, मीन्स चुराया जा सकता है या फिर ओके, और किसको और कुछ पता है क्या कर सकते हैं शैडो फाइल क्या? का एक्सेस भी हो, शैडो एग्जैक्टली फाइल का। यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट है शैडो फाइल जो कि स्लैश एटीसी के अंदर होती है। यस विशाल, स्लैश एटीसी 5WD और स्लैश एटीसी स्लैश शैडो फाइल, ये दोनों फाइल इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे। जो स्लैश एटीसी स्लैश शैडो फाइल है ना, अब मैं यहाँ पे शैडो को कैट करूंगा, शैडो को मैंने कैट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो शैडो के अंदर मुझे रूट का भी पासवर्ड मिल रहा है, ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में। इसको मुझे डिक्रिप्ट करना पड़ता है। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं आता कि आपको डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन सिखाऊं, ठीक है, लेकिन आप मतलब मेरी सिस्टम पूरी वर्नेबल है अगर मैं किसी नॉर्मल यूजर को डॉकर का एक्सेस देता हूं तो।
इस तरह से मेरी सिस्टम पूरी वर्नेबल हो जाती है। देखो अब मेरा जो महे नाम का यूज़र था उसका भी यहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड हमें मिल रहा है, और जो भी दो तीन यूज़र है और मैक्स मैच इनके भी पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में हमें मिल रहे हैं। और इसी तरह से हम स्लैश etc के अंदर जितनी भी फाइल्स है उन सभी को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, मतलब हमें फुल परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट की। और इसी के साथ सिर्फ स्लैश etc नहीं, ठीक है, स्लैश के अंदर की कोई भी फाइल आप इजीली एडिट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने कंटेनर बनाया था यहाँ पे स्लैश etc की जगह पे जो भी डायरेक्टरी आपको एक्सेस करनी है ना उसका पाथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एज ए डॉकर वैल्यू, और इसका आप अच्छे से मिसयूज कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, इसका कोई भी मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है। तो सब कुछ हो गया, अब आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करना है अभी, ठीक है। आप लोग स्टार्ट कर दो इसको। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। कोई है जिसको अभी भी नहीं समझा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना शॉर्ट में। ओके, अब देखो हमने किया क्या, बेसिकली ये जो कमांड चलाई थी हमने डॉकर वैल्यूम की, डॉकर वी मींस वैल्यूम, ओके। इससे क्या किया, कोई भी एक डायरेक्टरी जो हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर, मतलब हमारा जो भी हार्डवेयर है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, उसके ऊपर जो भी डायरेक्टरी है ना उसमें से कोई भी एक डायरेक्टरी चूज करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, कोई भी डायरेक्टरी मेंशन कर सकते हो जो आपके लोकल सिस्टम में एग्जिस्ट हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे कोलन लगा के जो आपकी लोकल सिस्टम की डायरेक्टरी है ना उसको कंटेनर के कौन से डायरेक्टरी के ऊपर माउंट करना है ना वो डायरेक्टरी यहाँ पे हमने मेंशन की। अब मैंने क्या किया, लोकल सिस्टम की स्लैश etc ये डायरेक्टरी है ना वो कंटेनर के अंदर स्लैश एमएनटी नाम की जो डायरेक्टरी थी उसके ऊपर माउंट किया, जिससे मुझे लोकल सिस्टम के अंदर स्लैश etc के अंदर जो भी फाइल्स थी उन सभी का फुल एक्सेस मिला, जिसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ओके। और ये सब कुछ कैसे हुआ, जब हमने किसी एक यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड किया, ओके। अब एक ग्रुप क्या होते हो, क्या होते हैं, थोड़ी सी बड़ी कंसेप्ट है, क्यों यूज किया जाता है वो सब कुछ, वो लिनक्स के अंदर आता है सब कुछ। लेकिन डॉकर नाम का एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है जब हम डॉकर को इंस्टॉल करते हैं, ओके। और उस डॉकर ग्रुप के अंदर जितने भी हम यूजर्स को ऐड करेंगे ना उन सभी यूजर को डॉकर यूज करने के लिए परमिशन ग्रांटेड होगी, और वो उसका मिसयूज इस तरह से कर सकते हैं। इन केस अगर कभी आप कहीं पे या फिर किसी कंपनी में या फिर आपने कभी खुद की फर्म डाली वहां पे ऐसा कुछ सिनेरियो आया तो वहां पे आप थोड़ा सिक्योर मैनेजमेंट कर सकते हो सब कुछ अच्छे से, ओके। और किसी को कुछ डाउट है? किसी को और कुछ डाउट है?